खुद ही सब करे तो उसमें बड़ा आनंद है। लेकिन यही आनंद गुरु जी ने क्या कहा, विचार दे दे के कहा, तेरा आनंद है उधर भी मैं हूँ। ये गुरु जी ने अपने साथ पहले प्रैक्टिस कराई, हम लोगों की अभ्यास कराया कि गुरु के विचार से हम लोग गाते थे, हंसते थे, बोलते थे, उठते बैठते सब गुरु के विचार से। क्योंकि अगर गुरु के विचार से ना करो, मनमानी करो तो गुरु को गुस्सा हो जाते, तो करना ही उनके विचार से, क्योंकि उनकी नजर ही चाहिए होती थी। तो उसमें क्या हुआ, अभ्यास पड़ा। लेकिन अभ्यास जो पड़ा वो अभ्यास बस उसी समय के लिए कारगर था, ऐसा नहीं बस हो गया अभ्यास तो अब जीवन में नहीं करना। वो अभ्यास सब जगह हमेशा अनवरत करना है, जब तक तन में सांस है। कि जो लग रहा है, जो मुझसे नहीं हो पा, गला नहीं होता है, कभी कभी तकलीफ होती है बोलने में, तो दूसरे को दे देते हैं ना, दूसरा बोले तो क्या, उधर भी उस मुख से भी तो वही बोल रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो ऐसा लगता है उस मुख से वही बोलेगा, और जब चाहेगा तो इसमें ताकत दे देगा, काम हो जाएगा। तो सब उससे जितना जितना आप उसको जानते जाते हैं, उतना उतना आप अंदर से नथिंग होते जाते हैं। कुछ भी मैं नहीं करने वाला हूँ, सब कुछ तू ही कराना चाहे तो कराएगा, और तू ही तो उधर भी है, तू ही तो सब में। सब कहते हैं मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। हमको लगता क्यों कहते हैं, बोले क्योंकि मेरे घर में आसानी है थोड़ी, या मेरे घर का वहम है कि मेरे घर में कल्याण होगा मेरा, इसलिए आए। जबकि कल्याण किस बात से होना है, उसके विचार को अपनाकर वो जैसा चाहे जहां चाहे हमें मिले, हमें दरो दीवार का क्या करना। बोले तेरा घर है या मेरा घर है, बात तो मिलने की, मिलते हैं बस में ही आराम आ जाता है। हम मिले बस आराम, घर किसी का भी हो, जगह कोई भी हो, तो जो भक्त है वो इन सब बातों से अपने आप को हटाए रख, वहम में नहीं आते हैं। या अरे मेरे घर नहीं आए गुरु जी तो मेरा कल्याण नहीं होगा, फलानी का हो जाएगा, ऐसा कुछ। गुरु जी खुश हो किसी भी बात से हमसे, तो बस उनका खुश होना ही हमारे ऊपर कृपा का कारण बन जाता है। उनकी नजर से ही हम लोगों को अंदर जाने का रास्ता मिलता है अपने आनंद तक का। और प्रभु कैसे सर्वत्र समाना, कैसे व्यापक है वो, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, प्रेम से, कि उधर भी मैं ही हूँ, उधर भी मैं ही हूँ। हमें अच्छी तरह से याद है, बड़ी जलन होती थी अगर गुरुजी किसी का नाम लेते थे और काम मुझसे कह रहे हैं, बोल रहे हैं रेखा 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 रेखा, तो जल जल जलते थे, बहुत जलन होती थी, बेहद जलते थे। ऐसा नहीं कि जलन नहीं थी, बहुत, क्योंकि मन में ऐसा है। लेकिन उस जलन को कैसे अकल ना बुद्धि क्या करें, चल्ला गए, चल्ला के बोल रहे अच्छा काम तो आप मुझसे ही कह रहे हैं, नाम रेखा का कह रहे हैं, आपसे मेरा नाम रेखा हो गया। अपने ही अपने नाम में ही कह दिया परिवर्तन, आप लीजिए रेखा का नाम, लेकिन काम तो आप मुझसे ही कह रहे हैं, मुखातिब तो आप मुझसे ही हैं, तो इस नाम रूप में क्या रखा। जब ऐसा बोला हमने अपने से जलना के, तो खुश हो गए गुरु जी, मुझे नहीं मानता गुरु जी खुश हो जाएंगे, हम तो अपनी जलन का आस निकाल रहे थे। लेकिन बारात में जो युक्ति निकली उससे गुरु खुश हो गया, क्योंकि बारात अंदर की थी, कि हमने दूसरे के साथ गुरु जी से नहीं कहा कि वो बहुत उसको आप प्यार कर रहे हैं, हमको कम कर रहे हैं, ये नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा, हमेशा ये कहा कि यही मेरा नाम है, क्योंकि मुखातिब तो आप इस समय हमसे ही है, पहले नाम ले रहे हैं, नाम में क्या रखा है, आप ही ने तो कहा है नाम रूप नाश है, नाम रूप नाश करो,
सारा नाम को भी हम नाश कर लें। ये हर साथ अभ्यास गुरु के विचार से जब करता है तो उसकी कहते हैं स्टेप बाय स्टेप तरक्की होती जाती है। कौन सी तरक्की? अंदर, उसके अंदर में अपने गुरु का एहसास होता है। अंदर में जब गुरु का एहसास होता है कि मेरे ही अंदर गुरु है तो क्या होता है, बहुत निश्चिंतता मिलती है जीवन में। सबसे पहले निश्चिंत होता है कि जो कुछ भी हो रहा है तुमसे ही तो हो रहा है, और तुमसे जो हो रहा है वो सब अच्छा है, कहीं से खराब पहले कुछ भी हो रहा है तो। लेकिन बार बार नाम रूप से ही तो अपने को हटाना है बार बार। और ये सब हमारे अंदर ब्रह्म है, इसी के कारण है कि नाम रूप में हम अटके हैं। ज्ञान भी हम लेते हैं तो नाम रूप कर करके, उसी में हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं, उल्टा सीधा भी बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। हमको सब समझे, हमें कोई ना समझे, ऐसा हमें लगता है। तो हमारी बात को नहीं समझना, हमारे उल्टे बोलने को भी हम सीधा समझे दूसरे को, और दूसरे के सीधे बोलने को भी फट से अपने विचार से उल्टा समझ लें। तो ये सब हम लोगों की मनौत है अंदर, बड़ी हाँ मानसिकता है। मानसिकता से ही तो गुरु दूर करता है, बार बार उसी से तो दूर करने में लगा हम सबको कि अरे हर घट के अंदर मैं ही हूँ, किधर से भी कोई भी है सब में मैं हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि हाथी से कहेंगे तू आ मुझे कुचल, हाथी आ रहा है भगवान देखने के, ज्ञान गुरु जी ने नहीं दिया। बोले ज्ञान तड़पा है, गुरु जी ने सजगता कर दिया है कि देह के तल पर हमेशा सजग होकर संभल कर सही कार्य करो, लेकिन जब हो जाए तो उसमें नुक्ता चीनी नहीं करे। ये सब गुरु जी ने बोला, गुरु जी ने अपने द्वारा ही हम लोगों का अभ्यास करा। और जितना जितना हम अभ्यास करते जाते हैं उतना उतना ज्यादा हम लोग नाम रूप से हटते जाते हैं, और नाम रूप से हट तो आराम आराम ही आराम भी तो है कि मैं और तुम, और मैं से मेरा हो जाता है, लेकिन तू ही तू, तू ही तू करते करते तू और तेरा हो जाता है। तो अब मैं नहीं रहा, अब तू और तेरा हो गया। जब तू है और तेरा है तो बड़ा आराम है, क्योंकि यहाँ भी तू है, इसमें भी तू है, इसमें भी तू है, इसमें भी तू है, सब में तू ही तो है। लेकिन व्यवहार में तू और तेरा में हो नहीं पाते, बड़ी जल्दी जल्दी जो ना अपने विचार से अपनी सोच से हम तुरंत जो है ना देना एक शब्द को भी एक वाक्य को भी गलत अंदाज में ले जाते। तो ये हम सब की आदत पड़ी हुई है, हम समझते नहीं है कि किसी ने कैसे कहां से क्या बोला, लेकिन हम अपने करे को बिल्कुल राइट मान। ये हम सब का आदत पड़ी हुई है कि हम तो इतनी इसलिए बोल रहे थे समझाने, क्योंकि दो मिनट भी रुकना हमको नहीं आता, दो मिनट भी ठहर के खोज करनी नहीं आती है। बस आदत पड़ी हुई है, धारणा बनाई हुई है कि फलाना ऐसा कर रही है, धुमकाना ऐसा कर रहा है, तो बस वही अल्लाह के अनुसार ही काम करते हैं। गुरु जी ने कहा पहले मेरा ध्यान करो, फिर अपनी धारणा देखो, उस धारणा को चेंज करो, तब समाधि यानी स्थिति में आओगे कि कोई है ही नहीं दूसरा। ध्यान धारणा समाधि बोलते हैं ना, तो हमने तो यही अपने जीवन में अर्थ लगाया है कि क्या है अर्थ हमने नहीं माना कि ध्यान जब गुरु जी का आता है तो मेरी धारणा जो बनी हुई थी मैं तू की या गलत समझने की वो मेरी खत्म हो जाती, क्योंकि उसके विषय में कोच करते एकदम से शब्द बोला किसी ने एकदम से हम वो कर दें, ऐसा नहीं, रिएक्शन एक्शन का रिएक्शन, क्योंकि यही आदत है, ऐसा नहीं। जरूर से सोचना चाहिए कि कहां से क्या कोई कैसे बोल रहा है, तो उसका क्या है विचार,
वो किस लिए बोल रहा है, समझ तो ले, समझने के बाद अगर गलत हो तो जरूर से बोला जाता, समझे बिना एक्शन का रिएक्शन करना ये ठीक नहीं। इसी को कहते हैं कि धारणा अपनी पहले समझे, अपनी समझते हैं तो दूसरे की भी तो समझनी पड़ेगी, उधर भी तो मैं ही ध्यान और धारणा फिर समाधि मतलब सम स्थिति, एक से समय सारी स्थिति, सब लोग एक से, मन करके भी सब एक से हैं और आत्मा करके भी सब एक से हैं, लेकिन जब हम मन की तरफ है नाम रूप में बैठते हैं तो 100% नाम, चाहे कितने ज्ञानी हो बेकार है, लेकिन अगर नाम रूप में ना बैठ के आत्मा का में बैठ के हम किसी को भी कुछ बोल रहे हैं, भले गाली भी दे रहे हैं तो वो मेरी गाली भी लाभदायक है, मुझे मालूम है उसकी शांति मेरे अंदर, भले तेरे अंदर कितनी भी अशांति हो जाए वो तेरा विषय है, मेरा नहीं, क्योंकि ज्ञान हम लोगों को सबको मिल रहा है। इसलिए ज्ञान को बहुत ही गुरु के विचार से तू ही तू में आना का काम करना चाहिए, उधर भी मैं ही हूँ, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, तो जैसा मुझे हर चीज चुभती है ऐसे दूसरे को भी चुभती है, ये कहाँ रहता है दिमाग, एक सेकंड नहीं लगता है हम लोग इंसल्ट करने लगते, एक सेकंड नहीं लगता है महिमा करने लगते, तो बोले महिमा कर रहे हैं तब तो अच्छा है, एक अच्छा कार्य हो रहा है, पहले ऊपर से हो रही है, लेकिन अगर हम इंसल्ट कर रहे हैं तो वो हम सामने प्रभु को ही तो उठा रहे हैं, किसी दूसरे को तो नहीं, क्योंकि उधर भी तो मेरा प्रभु बस रहा है ना, कहाँ हमें मालूम है, वो ज्ञानी हम होगा, ज्ञानी तो हम पूरे हो गए, लेकिन मालूम नहीं, अभ्यास नहीं, अभ्यास तो हम सबको करना पड़ेगा, और जो कहते हैं बदलती हुई ऋतुओं में ही अभ्यास कर, कुछ ऐसा नहीं कि कहीं और जाके करना है, जो जीवन में चल रहा है उसी में वहीं पे अभ्यास कर, और जितना कर ले जितना जो अभ्यास कर उतना उसे आराम है, जीवन में निश्चिंतता होगी और गुरु के सामने आप तो हमारी ऊपर होगी, मन माने से हाथ ऊपर नहीं मिला सकेंगे उसे, हाँ ऐसा जरूर से हम लोग को अपने आप को संयमित व्यवहार करना चाहिए, और अभ्यास बगल में ही होता है, बाहर तो हम सबसे कर ही लेते हैं अच्छा, लेकिन बगल में हम भूल जाते हैं, वहीं पे हमारी आदत नहीं, क्योंकि अधिकार भाव होता है, जैसा चाहे वैसा बोल ले, जैसा चाहे वैसा कर ले, ये तो मेरी है, ये तो मेरा है, नहीं वही संयमित व्यवहार की जरूरत, यही ये यही प्रभु है, अभी तो प्रभु है, यही तो प्रभु है, तो प्रभु में ही रहने का अभ्यास करते, और विपरीतता में ही अभ्यास होता है, अनुकूलता तुम्हें तो सबको अच्छा लगता है, भगवान अर्जुन हर एक को दिखाई देता है, विपरीतता में ही संयम की जरूरत। जो जिस कारण से ये मनुष्य देह मिली है, अरे भाई पशु पक्षी तो बिना डर भय के सब भोगते, खुल्ला सब तरह का आनंद लेते, खाना पीना देखना चहचहाना सब काम करते, हमने क्या किया हुआ पशुवत जीवन को हम कहें कि हम बड़ा बढ़िया जीवन जीते, उसी को हम आनंद समझा, अंदर जाना चाहिए, अंदर अंदर में देखो कितना कितना टीशन है, कितनी कल्पना है, अंदर के जो दर्द है ना उनसे छुटकारा पाना है, तो अंदर के दर्द से छुटकारा तब मिलेगा जब नाम रूप नाश करके भगवान का प्रकाश करेंगे, उसके उसके हवाले बहुत कुछ करेंगे, सिर्फ अपने अपने को चौधरी मान के सब कुछ करने वाले ना बन गए हैं समय,
अपने लिए जो है ना बस वर्तमान में जी, वर्तमान में सजगता से जीव, वर्तमान में ध्यान लगा के बैठ जाओ, जरूरत है दूसरे को खाना देने की, वो ध्यान वो भजन बिल्कुल नहीं अच्छा है, ये ज्ञान आदत नहीं है, यानी वर्तमान में सजगता से ईश्वर है और ईश्वर का ही ये संसार है, ऐसे जियो। लेकिन पीछे चिंता न करो, सब उनके हवाले करो, क्यों? मेहंदी की बाल, मेहंदी में की लाली किससे है, मेहंदी में लाली कौन भरता है, फूलों में खुशबू कौन भरता है, सोचो। तो हमारी तुम्हारी है, हम भर सकते हैं, अरे एक पेरों तो हम दर से दर नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी कर वक्त तो पिक्चर देखी थी, वहां कहा से कहता लो, उसने ज्ञान ज्ञान की बात बोली उसके दोस्त ने कि अहंकार ना करो, अरे भगवान जो है ना चाहे तो अभी सारा जो है ना नष्ट कर दे, अब ये तुम जो चाय की चुस्की में लेने जा रहे हो प्याली, हो सकता है ये भी तुम ना ले पाओ और कुछ हो जाए। तो अहंकार से कहता लो मैंने तो पी भी ली और रखी भी, लेकिन उसके बाद तुरंत क्या हुआ, अब चिन्ना दिन हो गए, कहा हुआ, हम लोग ऐसे कहते हैं कहा हुआ, धरती फट जाए अगर ऐसा है तो, या फट क्यों नहीं जाती, हमारे को कोई समझ नहीं रहा है, क्या मूर्खता की बात, सारी मूर्खता की, इनसे बचना सीखे। भगवान के हवाले करें, इस शरीर की एक सीमा है, बस उस सीमा तक ही, उस सीमा से कभी नहीं, हस्ती भाती प्रिय जो है हंस रहा है बहुत अच्छा, बस इतने में जी, पीछे की परवाह भगवान करे, क्या हम कर सकते हैं, बोले अपने का दर्द होता है अपनों के साथ भगवान को भेज देते हैं, तुम मैं तो नहीं जा सकती लेकिन तुम जा सकते हो, तुम आ जाएंगे, हर एक के साथ रह सकते हो, मेरे एक बच्चे के साथ नहीं तो मेरे इस बच्चे के साथ भी रहते हो, इसके साथ भी रहते हो, इसके साथ भी रहते हो और मेरे साथ भी रहते हो, अच्छी बात है ना, तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा ना, हम सबको अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, और है में कभी भी जड़ बैठ के जड़ बन के बैठना नहीं, कितनी मूर्खता की बात है जड़ता में आ जाना, हम ज्ञानी हो जाते हैं, वर्तमान में तो चैतन्य ही है, अगर हम चैतन्य है तो हर समय हमें चैतन्यता में रहना चाहिए, जड़ नहीं करना चाहिए, जड़ता में नहीं आना चाहिए कभी भी। गुरु जी का बड़ा अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है, गुरु जी को जिसने देखा है वो जानते हैं अच्छी तरह से उनका कर्म कैसा होता, अरे कवा इसका इतना ध्यान रखते थे, सबका ध्यान रखे, और पीछे में जरा सी याद भी ना करे कि दवाई ली है क्या है, फोन करके या फोन तो तब होते नहीं थे, लेकिन चिंता भी नहीं करते थे, वो जैसे एक कपड़े आप में, जैसे कहते हैं कि कोई आइडियल जीवन में हुआ, कौन बनते थे बचपन में, किसी को अच्छा गाते देखा, किसी को अच्छा मिलिट्री मैन देखा तो बोले वो देखा, तो जिस जिस चीज को देखा लगा हाँ हम यही बन जाए, लेकिन जब गुरु सब में कहीं ना कहीं कोई कमी करती गई, लेकिन गुरु जी को देखा तो कहीं कमी नहीं, कहीं किसी बात में कमी नहीं, किसी जगह पे उनको ये गलत किया वाली बात नहीं, रीज रीज जाता है मन, उनकी अदाएं देखकर, उनके कर्म की कुशलता देखकर, बड़ा अच्छा लगता सच में। आज भी किसी बात को भी बोलते हैं किसी से तो गुरु जी की वो करनी उस समय की उस स्थिति की याद करके उसी के हिसाब से बोल देते हैं सामने वाले से, उसे आराम आ जाता है, सच बता रहे नहीं कह रहे,
घटनाक्रम गुरु जी वाली याद आ जाती है कि उस समय गुरु जी ने क्या किया था या क्या कहा था। ये सच है नहीं है? गुरु जी को जिस जिसने भी देखा है वो जानते होंगे। क्या बताएं कैसे जाग जाए, बस हम सब प्रार्थना यही करनी चाहिए।